सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ये हिंदी की जेनरिक की 18 नंबर की वर्कशीट है, 27 जुलाई 2021 की, 7th और 8th दोनों क्लास के बच्चों की है। टॉपिक है आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बच्चे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। वृक्ष हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, इनसे हमें प्राणवायु कह सकते हैं। प्राणवायु ऑक्सीजन ही नहीं अपितु भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि बहुत कुछ मिलता है। इसलिए वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। पृथ्वी को बढ़ते तापमान से बचाने के लिए हमें अपने जीवन में प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष, ठीक है, हमें कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। सभी को, हम सभी को भी लगाना चाहिए। हम वृक्ष लगा सकते हैं, सभी बच्चे एक पौधा लगा सकते हैं। अब बरसात का मौसम आया है, इस समय जो भी पौधा लगाया जाएगा वह आसानी से विकसित हो जाएगा। इसके लिए आप सड़क के किनारे या किसी भी खाली जगह, पार्क आदि में पौधा लगाया जा सकता है, जिसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। इस प्रकार आप इस पृथ्वी के संरक्षण में ही नहीं अपितु मानव जीवन के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए आइए हम मिलकर वृक्ष लगाएं। तो सभी बच्चे एक एक पौधा लगाएंगे, ठीक है, बरसात का मौसम चल रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर बच्चों वर्कशीट में से आप लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे वृक्ष हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इनसे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन ही नहीं अपितु भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि बहुत कुछ मिलता है। बस यहाँ तक लिखेंगे आप आंसर नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू है, हम वृक्ष कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? तो आप लिखेंगे इसमें सड़क के किनारे या किसी भी खाली जगह, कोमा लगा कर लिखेंगे, पार्क आदि में पौधा लगाया जा सकता है, ठीक है। वृक्ष तो पौधे का ही बनता है ना, तो पौधा लगाइए, पौधे से वृक्ष बन जाएगा। वृक्ष लगाना किस मौसम में सही रहता है? तो इसका आंसर लिखेंगे वृक्ष लगाना बरसात के मौसम में सही रहता है, ये जो मौसम चल रहा है इस टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, वृक्ष लगाने से पृथ्वी के तापमान में कैसे कमी आ सकती है? तो आप लिखेंगे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में कमी आती है। CO2 कम होगी पृथ्वी से तो तापमान भी घट जाएगा। तो बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं कैसे? तो इसका आंसर आप लिखेंगे वृक्ष हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। जैसे वृक्ष से हमें ऑक्सीजन, भोजन, वस्त्र, इमारती लकड़ियाँ, औषधियाँ आदि बहुत कुछ मिलता है, इसलिए ये हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये लिख देंगे आप आंसर। तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।